तीन बार उन्होंने तलाक तलाक बोला। व्हाट्सएप पे भी तलाक होता है क्या? मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। सोशल मीडिया के जरिए तीन तलाक देने पर जहां देश में तीन तलाक को लेकर संसद में हंगामा चल रहा है, तीन तलाक पर कानून लाने की बात चल रही है, तो वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी में व्हाट्सएप के जरिए तीन तलाक देने पर एक बार फिर सनसनी फैल गई है। भिवंडी के दीवान शाह दरगाह परिसर में रहने वाली आरजू को उसके पति ने व्हाट्सएप पर तीन तलाक भेज दिया है, जिसके बाद आरजू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, जबकि आरजू को 4 साल का एक बेटा भी है। कल्याण के रहने वाले टेक्निकल इंजीनियर नदीम शेख का निकाह 2014 में आरजू शेख के साथ हुआ था, मगर शादी के कुछ दिन ही बाद आरजू शेख और नदीम शेख में झगड़े होने लगे। निकाह के वक्त आरजू के परिवार ने 10,051 रुपये मेहर भी दिए थे, घर की ज़रूरत का हर सामान भी दिया था कि उनकी बेटी हंसी खुशी अपना घर बसा सके, मगर आरजू के पैरों तले ज़मीन तब खिसक गई जब नदीम ने फ्लैट खरीदने के लिए 10 लाख रुपयों की मांग की, मगर इतनी बड़ी रकम की मांग आरजू के घर वाले पूरी नहीं कर सके, जिसके बाद आरजू अपने पति नदीम के अत्याचार का शिकार होने लगी। आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया कि नदीम ने व्हाट्सएप पर तीन तलाक दे दिया। अब पैरों से अपंग आरजू इंसाफ के लिए कभी पुलिस स्टेशन तो कभी महिला संगठनों के चक्कर लगा रही है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे तलाक दिया, तीन तलाक उन्होंने दिया, तीन बार उन्होंने तलाक तलाक बोला मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया। व्हाट्सएप पे भी तलाक होता है क्या? मेरी उनसे झकपक हुई कि व्हाट्सएप पे तलाक होता है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ व्हाट्सएप पे तलाक होता है, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया। सर उन्होंने मुझे मारते पीटते तो मेरे साथ बहुत अन्याय करते, लेकिन फिर भी मैं उस इंसान के साथ गुजर बसर करने के लिए तैयार थी कि ये मेरा शौहर है, मुझे इसी के साथ रहना है। पुलिस चौकी में मैंने केस की, वो लोग मुझे इधर से उधर भगा रहे हैं, कभी कोर्ट जाइए तो कभी महिला मंडल जाइए तो कभी यहाँ आइए, बार बार मुझे दौड़ा रहे हैं, मैं यहाँ से वहाँ भागते फिर रही हूँ सर। सोशल मीडिया के जरिए तीन तलाक का शिकार हुई आरजू अपने 4 साल के बच्चे के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आरजू को इंसाफ मिलेगा? आरजू के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि ये तीन तलाक नहीं जुर्म है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।